Then Azhar, that Haider Ali innings, how do you define that? That was just absolutely fantastic. Outstanding. I think two chauke aur paanch chakke. You know, it's been a 29 ball, 52. Amazing knock under pressure. Aur as a player, wo under pressure the. Kyunki pichle saal platini mein pick hue, uske baad perform nahi kiya. Aur is draft mein unpicked gaye. Aur uske baad itni badi stage pe, abhi tak is tournament mein nazar nahi aaye kahin. लेकिन इतने इम्पोर्टेंट गेम में आके इतनी क्रूशियल इनिंग्स आई थिंक और यू नो ऐसे प्लेयर्स के लिए ऐसा जब स्टेज सेट हो तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को मनवाने के लिए और आज इन्होंने मनवाया और बहुत ज़बरदस्त बाउंड्री क्लियर की है यू नो जो रन रेट चाहिए था पार्टनरशिप लगाई है और ये भी नहीं था कि हर बॉल पर हिट मार रहे हैं ये चीज़ की थी देखने की आज कि आज सिर्फ ये नहीं है कि हैदर अली आए हैं रन रेट ज़्यादा चाहिए और बस में मार के समटाइम वो आउट हो जाते थे इस तरह अपने अपना थोड़ी देर कंसोलिडेट किए पाँच सात आठ बॉल लिए हैं फिर बाउंड्रीज लगाना शुरू किए हैं और उसके बाद इन बिटवीन भी स्मार्ट क्रिकेट भी खेली है सो आई थिंक ये एक दफ़ा मैं सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक दफ़ा परफॉर्मेंस आती है फिर कंसिस्टेंसी भी आनी चाहिए यू नो अब ये नहीं है कि अब नेक्स्ट टाइम आप बस एक इनिंग के ऊपर जो है कंसिस्टेंसी एट हिज लेवल ही हैज बीन विद पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ फ्रॉम लास्ट 7-8 इयर्स इफ आई रिमेंबर 4 to 5 इयर्स सो अब दैट्स एंटायरली डिपेंड्स ऑन हिम इन हिम नोबडी कैन हेल्प हिम ये कोई आपको नहीं सिखा सकता आपको एक दफा परफॉर्मेंस आपकी नजर आ गई आपने परफॉर्म कर दिया तो आई थिंक फ्रॉम देयर यू शुड इंप्रूव यू नो आपकी गेम अवेयरनेस इंप्रूव होनी चाहिए डिफरेंट कंडीशंस में आपको भी परफॉर्म करना ये नहीं कि बस जिस दिन अच्छी पिच आएगी या मेरे हाथ कोई बॉलर दो तीन आ गए तो मैं उसको बस मार के तो परफॉर्म करूँगा नो ये इमाद वसीम के परफॉर्मेंस देखें डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट रोल मिला के जो रोल मिला उसी पे चलते गए एंड तक एंड पे जाके उन्होंने एक्सेलरेट किया लेकिन उन्होंने यही कहा मैं एंड तक रहूँगा मेरे राउंड प्लेयर खेलेंगे और उसमें देखें उनका कितना कंट्रोल था एंड तक भी उन्होंने कोई ऐसी रेडलेस शॉट नहीं मारी।